रोटी नहीं देने पर दामाद ने बेरहमी से सास की हत्या कर दी। सास को उसने गर्म रोटी बनाकर देने के लिए कहा। सास ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बासी रोटी रखी है, वही खा लो। इसके बाद दामाद ने उसके सिर पर लकड़ी मार दी। वह उसे दम निकलने तक लकड़ी मारता रहा। मामला मांधाता थाना क्षेत्र के ग्राम बिलौरा के पास जंगल का है। पुलिस के अनुसार ग्राम बिलौरा के पास स्थित चौरा जंगल में नानकरम पिता नटकिया अपनी पत्नी गुजरबाई के साथ रह रहा था। उनके साथ बेटी और दामाद सुरेश भी रहने लगे थे। बेटी का ससुराल धामनोद के पास है। दामाद सुरेश शादी के बाद से घर जवाई बनकर उनके पास रह रहा था, जिसने सोमवार रात सास को रोटी देने के लिए कहा, जिस पर सास ने उसे बासी रोटी व सब्जी लाकर दे दी। बासी रोटी देखकर सुरेश आक्रोशित हो गया और सास की लकड़ी से पिटाई कर दी, जिससे 53 वर्षीय गुजरबाई की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपित सुरेश जंगल में भाग गया, जिसे मांधाता एवं मोरटक का चौकी पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की। उसमें हमारा जो मुलजिम है सुरेश है, वो फरार था, तो उसके लिए हमने चारों तरफ अपने मुखबिर मामूल कर दिए थे, सभी को अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे कि मुलजिम अगर कहीं दिखाई देता है तो उसकी सूचना पुलिस को करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज सूचना प्राप्त हुई कि जो बिल्लोरा और थापना के बीच में जो जंगल है, वहाँ मुलजिम छुप कर बैठा हुआ है। तो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा चौकी और थाने के दोनों संयुक्त रूप से रवाना हुई और मुलजिम को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर थाने पर और आज उसको कोर्ट पेश किया जा रहा है कि वो खाना मांगा, वो शराब के नशे में था, खाना मांगा तो हाँ उसने बोला कि मैं खाना मैं दे देती हूँ। तो गुस्से में था, इतने गुस्से में खाने की टोकरी में लात मार दी और उसी में लकड़ी मारी, उसकी हत्या हो गई। ना कोई विशेष कारण नहीं था। पति पत्नी अलग रहते हैं, पति पत्नी उसके साथ ही रहते हैं। ओंकारेश्वर से जय प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।